अतिशय श्रेष्ठ श्री महावीर जी में होने वाले महामस्तक अभिषेक की बेला जिस प्रकार निकट आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोई सौभाग्य हमें बुला रहा हो। हो भी क्यों ना, आखिर 24 वर्षों की प्रतीक्षा का सपना जो साकार होने जा रहा है, वह भी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के उन स्वर्णिम पलों का जो 27 नवंबर से आरंभ होंगे। जी हाँ, कल हमने बात की थी महामस्तक अभिषेक के दूसरे दिन कितने सौभाग्यशाली व्यक्तियों को किस कलश से अभिषेक का लाभ मिलेगा। आइए ऐसे पुण्य योग में आज हम बात करेंगे 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक कितने सौभाग्यशाली व्यक्तियों को महामस्तक अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 24 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 24 नवंबर से ही चांदनपुर के टीले वाले बाबा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के मस्तकाभिषेक का पुण्य लाभ भक्तों को मिलने जा रहा है। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में श्रद्धालुओं को वर्तमान शासन नायक के इस महा महोत्सव में साक्षी बनने का गौरव प्राप्त होगा। सभी अपने अपने सौभाग्य का कलश प्रतिमा जी पर डुराने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि भक्तों के भाव और प्रभु अभिषेक की लालसा का माध्यम बनेगा मंगलकारी कलश। आइए जानते हैं 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक होने वाले मंगलकारी कलशों का क्रम। तृतीय दिवस 29 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक कलशों के आवंटन इस प्रकार किए जा रहे हैं, जिसमें वर्धमान कलश से अभिषेक करने के लिए 12 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए भी 12 व्यक्ति योग्य होंगे। वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 6 व्यक्ति योग्य होंगे। नवरत्न कलश से अभिषेक करने के लिए 10 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 10 व्यक्ति योग्य होंगे, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 5 व्यक्ति ही योग्य होंगे। रत्न कलश से अभिषेक करने के लिए 8 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 8 व्यक्ति योग्य होंगे, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 4 व्यक्ति योग्य होंगे। विशिष्ट कलश से अभिषेक करने के लिए 1 व्यक्ति योग्य होगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए भी 1 व्यक्ति योग्य होगा, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 1 व्यक्ति योग्य होगा। वहीं दिव्य कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 6 व्यक्तियों को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 6 व्यक्ति योग्य होंगे, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 6 व्यक्ति योग्य होंगे। ज्योति कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 5 व्यक्तियों को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 5 व्यक्ति योग्य होंगे। वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 5 व्यक्ति योग्य होंगे। स्वर्ण कलश से अभिषेक करने के लिए 4 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 4 व्यक्ति योग्य होंगे। वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 4 व्यक्ति योग्य होंगे। रजत कलश से अभिषेक करने के लिए 3 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 3 व्यक्ति योग्य होंगे। वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 3 व्यक्ति योग्य होंगे। ताम्र कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 2 लोगों को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने का सौभाग्य 2 लोगों को मिलेगा। वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 2 व्यक्ति योग्य होंगे। शुभ मंगल कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 1 व्यक्ति को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने का सौभाग्य 1 व्यक्ति को मिलेगा, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए भी 2 व्यक्ति होंगे। मंगल कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 1 व्यक्ति को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने का सौभाग्य भी 1 व्यक्ति को मिलेगा। वही दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 1 व्यक्ति होगा। इसी श्रृंखला में जन मंगल कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य 1 व्यक्ति को मिलेगा। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने का सौभाग्य 1 व्यक्ति को मिलेगा। वही दर्शक दीर्घा से देखने के लिए भी 1 व्यक्ति योग्य होगा। शांतिधारा करने के लिए 1 कलश से 4 व्यक्ति योग्य होंगे। अभिषेक के साथ जाने व हाथ लगाने के लिए 4 व्यक्ति योग्य होंगे, तो वहीं दर्शक दीर्घा से देखने के लिए 10 व्यक्ति योग्य होंगे। मंगल आरती के लिए परिवारी जनों सहित अधिकतम 20 व्यक्ति मान्य होंगे। तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक जन्म जन्मांतरों से संचित किए सौभाग्य का ही प्रतिफल है कि 24 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक भगवान महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा पर होने वाले महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित सौभाग्यशाली परिवारों की सूची लगभग तैयार है। कलश आरक्षण को लेकर जैन समाज के सभी साधर्मी बंधुओं में उत्सुकता होना स्वाभाविक है। आप भी ऐसे ऐतिहासिक अवसर को अपने जीवन का अहम पल बनाएं, अनुभव करें, साक्षी बनें, पुण्य अवश्य प्राप्त करें। जैन फोकस के लिए अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।